हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और आज सी प्लस प्लस के जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्टिव। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बात करूं तो क्लास इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। मीन्स हम जो क्लास क्रिएट करते हैं वो एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। लेकिन क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और क्लासेस के अंदर हम लोग वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सब चीजें उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, यहाँ पे हम वेरिएबल के अलावा फंक्शंस को भी इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग ऊप्स में पढ़ेंगे आगे। तो क्लास के अंदर हम जो भी फंक्शन या जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे क्लास मेंबर कहा जाता है। अब क्लास जो बेसिकली होता है वो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को अपने प्रोग्राम में, मीन्स मेन में एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट करते थे, सेम उसी तरीके से हमें अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। इस ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्लासेस के अंदर जो उसके मेंबर्स हैं, जैसे कि मेंबर वेरिएबल हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया, तो उन्हें हम लोग मेन में एक्सेस कर सकते हैं। अब C++ की क्लासेस में क्लास के अंदर हम जो वेरिएबल्स या जो भी फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी भी डिक्लेयर करनी होती है, जिसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करके चलते हैं। C++ में हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हुए जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज में, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब इस वीडियो में मुझे ये डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि क्लास के अंदर हम बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर करते हैं तो वो प्राइवेट हो जाते हैं, और प्राइवेट क्लास के मेंबर को हम क्लास के बाहर यानी कि मेन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि हम लोग उसे क्लास के बाहर एक्सेस कर सकें। तो बेसिकली क्लास एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम जो C++ में क्लास क्रिएट करते हैं वो क्लास कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं, और जो भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं अगर उन्हें हमें क्लास के बाहर एक्सेस करवाना है तो हमें उसे एज अ पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्लास बनाई, सपोज मैंने अपनी क्लास को नाम दे दिया एबीसी। अब इस क्लास के अंदर मुझे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक कॉलन एंड देन एंटर। तो अब आप यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो मेरे पब्लिक डिक्लेयर होंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं दिया होता और डायरेक्ट इंटीजर एक्स और वाई ले लिया होता तो बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल प्राइवेट हो जाते जिसे हम लोग मेन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फाइन, अब हमने बनाया एक फंक्शन इंटीजर मेन। अब इस मेन के अंदर इस क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। अब क्लास के मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिया ए बी डॉट एक्स इक्वल टू 10, then ab dot y equal to 20, fine। अब suppose मुझे इसका sum declare करना है, तो मैंने लिया cout ab dot x plus ab dot y। आप एक वेरिएबल में भी सम करा सकते हैं और इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये लिया ताकि हम ये भी शो, मैं ये शो करना चाहती हूँ कि सी आउट के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ मींस अपने मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखिए इसने मुझे यहाँ पे 30 लाकर दे दिया। अब अगर यही वैल्यू मैं यूजर से इनपुट कर रही होती तो मैं यहाँ पे सी इन का यूज करती और सी इन में डायरेक्ट ए बी डॉट एक्स और ए बी डॉट वाई को लिख सकती थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया।
अब यही अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना होता तो मैंने लिया पब्लिक, मैंने लिया एक फंक्शन इंटीजर सम, जिसे मैंने कहा कि दो वेरिएबल मिलेंगे, एक इंटीजर पी और एक इंटीजर क्यू, और यहां से मैंने रिटर्न करवा दिया पी प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर मुझे इस फंक्शन की कॉलिंग करानी है तो हमने लिया सी आउट ए बी डॉट सम, जिसे मैंने पास किया मान लो 30 एंड 50। तो आप देखिए पहला आउटपुट आया। अच्छा एक न्यू लाइन ले लेते हैं। तो आप देखिए पहले वाले का आउटपुट आया 30, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यू 10 और 20 थी। दूसरे को मैंने पास किए दो पैरामीटर, एक 30 और एक 50, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने मुझे सम लाकर मुझे दिखा दिया। अपने इस सम फंक्शन में हम एक्स और वाई का यूज भी कर सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि मुझे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था कि एक क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर एक्स स्पेसिफायर पब्लिक का क्या रोल है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को किस तरीके से एक्सेस करके चलते हैं। फाइन, अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम ऊप्स के और कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको वो उन वीडियोज की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस तरीके से आप पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।